एक ऐसा योद्धा जिसने देश के लिए अनगिनत यातनाएं सही, जान दे दी लेकिन दुश्मन के आगे झुके नहीं, कैप्टन सौरभ कालिया, करगिल जंग के पहले शहीद, पहले नायक। करगिल की जंग जीतने का जश्न देश भर में हर साल मनाया जाता है, लेकिन कैप्टन सौरभ कालिया की कहानी के बगैर करगिल की जीत भी अधूरी है और उसका जश्न भी। ये उस जंग के पहले शहीद की कहानी है, कैप्टन सौरभ कालिया, जिन्होंने महज 22 बरस की उम्र में वतन के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 22 दिनों तक दुश्मन उन्हें बेहिसाब दर्द देता रहा, ऐसी ऐसी यातनाएं दी कि किसी की भी हिम्मत टूट जाए, लेकिन कैप्टन सौरभ कालिया तो किसी और ही मिट्टी के बने थे। 29 जून 1976 को सौरभ कालिया का जन्म अमृतसर में हुआ था। वो मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के रहने वाले थे। उनकी शुरुआती शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल पालमपुर से हुई थी। ग्रेजुएशन करने के बाद सौरभ कालिया ने अगस्त 1997 में सीडीएस का एग्जाम पास किया और आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री अकादमी पहुंचे। 12 दिसंबर 1998 को सौरभ कालिया थल सेना में कमीशन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। बहुत कम बोलते थे, उनके मन में क्या है उसको उसका जान पाना इतना आसान नहीं होता था। अल्पभाषी नहीं होते थे जैसे वो थे। तो उसके बाद जो ये हो सकता है ये हमारी सोच है कि जब वो केवी में थे तो वो आर्मी को देखते होंगे, तो वे उनके स्वभाव से तो बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, बहुत ज़्यादा ईमानदारी में बिलीव करते थे। तो मतलब ये कहना नहीं कि उनको शौक था ऐसे का, पर उनको देख के भी, उनका अनुशासन देख के, उनकी जो आर्मी का जो इमेज है, आर्मी का सेटअप है, इंस्पायर हुए हूँ। कारगिल को 25 साल हो गए हैं, बातें तो बहुत सारी जन में हैं, मन में बहुत उठती हैं कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। कोई ऐसी याद जो आप शेयर करना चाहें? ऐसी तो याद नहीं, लेकिन मन में हमेशा एक ही गिलानी रहती है कि जाना तो आर्मी में सब जाते, जब जानते हैं तो गोली भी लगती है, गोली खाते भी है, गोली मारते, और शहीद भी होते हैं, शहीद हुए भी है, लेकिन जिस तरह से उसकी शहादत हुई, जिस तरह उसका टॉर्चर किया गया, वो हमेशा दुख लगता है। हमेशा जब याद आता है तो अंदर को मतलब कचोता है कि क्या हुआ उसके साथ। महज 21 साल की उम्र में सौरभ कालिया 4 जाट रेजिमेंट के अधिकारी बने थे। 31 दिसंबर 1998 को 4 जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली में प्रस्तुत होने के बाद जनवरी 1999 में करगिल पहुंचे। देश को भनक तक नहीं थी कि कुछ ही दिनों बाद देश के इतिहास की सबसे बड़ी जंगों में से एक शुरू हो जाएगी और सौरभ कालिया का नाम उनमें सबसे पहले आएगा। 3 मई 1999, पाकिस्तान एक नई साजिश रच रहा था जिसका केंद्र था करगिल। करगिल में पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारतीय सेना को सबसे पहले तब पता चला जब कुछ चरवाहों की नजर करगिल की पहाड़ियों पर हथियारबंद घुसपैठियों पर पड़ी। ये बात 3 मई 1999 की है। खबर मिलने के बाद कैप्टन कालिया समेत 6 जवानों के एक दल को पेट्रोलिंग के लिए भेजने का फैसला लिया गया। कैप्टन कालिया 5 जवानों के साथ जब बजरंग चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने वहां हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिकों को देखा। करीब 17,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद इस पोस्ट पर गर्मी के दिनों में भारतीय सेना के जवान तैनात रहते, लेकिन सर्दियों में इसे खाली कर दिया जाता। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया और वहां चोरी छिपे अपने सैनिक तैनात कर दिए। कैप्टन कालिया की टीम के पास ना तो बहुत ज्यादा हथियार थे और ना ही ज्यादा गोला बारूद, क्योंकि वो तो सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए गए थे। बताया जाता है कि पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उन्होंने चारों तरफ से कैप्टन कालिया और उनके साथियों को घेर लिया और आखिरकार उन्हें बंदी बना लिया। कैप्टन सौरभ कालिया, सिपाही अर्जुन राम, सिपाही भीकाराम, सिपाही भंवर लाल बगरिया, सिपाही मूलाराम और सिपाही नरेश सिंह बंदी बना लिए गए।
इसके बाद शुरू हुआ यातनाओं का सिलसिला। सौरभ कालिया और उनके साथियों को 15 मई को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ा और 7 जून तक उन्हें कई यातनाएं दी, यानी पूरे 22 दिन तक। जब उनके शव भारतीय सेना को मिले तो पाकिस्तान की असलियत का पता चला। सौरभ कालिया और उनके साथियों के शरीर को जगह जगह गर्म सरिये और सिगरेट से दागा गया था। सौरभ कालिया का पार्थिव शरीर जब पालमपुर पहुंचा तो चेहरा पहचानना भी मुश्किल था। उनके दांत तोड़ दिए गए थे, आंखें फोड़ दी गई थी, चेहरे पर सिर्फ आईब्रो बची थी। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक युद्ध बंदियों के साथ इस तरह का सलूक कोई देश नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान ने नियम कायदों के साथ इंसानियत तक को छलनी कर दिया था। माँ बताती हैं कि बेटे की शहादत की शुरुआती खबर परिवार को एक अखबार से लगी। जब उन्होंने पालमपुर के सेना कार्यालय में जाकर पता करवाया तो पता चला ये दुख भरी खबर सच है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सौरभ की माँ अपने बेटे को याद करती हैं और युवाओं को संदेश देती हैं कि एक अच्छा नागरिक बने। सूचना तो जब कारगिल में जो हलचल चल रही थी तो ट्रिब्यून में एक आर्टिकल छपा था, लुधियाना से कोई कर्नल थे, उन्होंने लिखा था कि ऐसे ऐसे हुए हैं, हमारे कुछ जवान कैप्चर हुए हैं, तो उन्होंने उसमें नाम लिखा हुआ था विवेक कालिया। तो मैंने पढ़ा मैंने सारा आर्टिकल, पर मेरे को ये नहीं पता था कि विवेक, मैंने कहा विवेक कालिया कोई और होगा, इसका सौरभ कालिया। लेकिन 8 जून को इंडियन एक्सप्रेस में एक छोटी सी न्यूज़ लगी, उसमें लिखा हुआ था कि 4 जाट के 5-6 जवान, एक ऑफिसर, 4-5 जवान कैप्चर हुए हैं, कैप्टन सौरभ कालिया और उसके 5 सिपाही और अमित भारद्वाज 4 जाट के लेफ्टिनेंट, और अपने 12 सैनिकों के साथ उनको ढूंढने के लिए निकले हैं। बस तभी से ही थोड़ी हलचल चली थी तो वहीं से ही हमें पता चला, हमने इधर उधर फ़ोन वगैरह किए तो तभी हमें पता चला। सौरभ कालिया ने 30 अप्रैल 1999 को परिवार से आखिरी बार फोन पर बात की थी। उस दिन उनके भाई वैभव का जन्मदिन था। सौरभ ने वादा किया था कि वो अपने जन्मदिन पर 29 जून को पालमपुर जरूर आएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद खबर आई कि बेटा तो शहीद हो गया है। 30 अप्रैल को वैभव के बर्थडे पे उसने विश किया तो उसने मुझे वो बोला कि मम्मी मैं कहीं जा रहा हूँ, आगे दूर कहीं जा रहा हूँ, वहाँ आपसे मेरी बात नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो मैं आकर के आपके से बात करूँगा, बाकी मैं ठीक हूँ, बाकी अपनी वेदर वगैरह का यही बात करता रहा और उसने कोई बात नहीं की। कैप्टन सौरभ कालिया के पिता बताते हैं कि वो बेहद शांत स्वभाव के थे। वो बेशक आज उनके साथ नहीं है लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ है, लोगों ने बेहद प्यार और सम्मान दिया है। डॉक्टर नरेंद्र कालिया को इस बात का आज भी गम है कि एक फौजी को किस तरह यातनाएं दी गईं। वो देश के हर नागरिक से अपील करते हैं कि हमारे देश के सैनिक देश की सेवा में अपना सब कुछ लुटा देते हैं, एक सैनिक को सम्मान जरूर दें। हमने सौरभ को कभी खोया नहीं, हो सकता है वो हमारे सामने फिजिकली ना हो, वो हमेशा हमारे हमारे साथ में। इस दौरान हमें अनगिनत लोगों का, सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों लोगों का जो हमें प्रेम आदर अपनापन मिला है, उनको मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। मतलब आज तक लोग हमारे घर में आते हैं और ये नगे के साथ एक और भी गर्व है कि मैं लोग डॉक्टर एन के कालिया के नाम से नहीं जाती, जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ मैं खड़े होता हूँ, मिलता हूँ तो मेरी इंट्रोडक्शन कैप्टन कालिया के फादर से मतलब होती। करगिल के बाद भारत का रवैया पाकिस्तान को लेकर काफी सख्त हुआ, उसकी हर हिमाकत का माकूल जवाब दिया जाता है। पाकिस्तान अब कोई बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे पा रहा है। कैप्टन सौरभ कालिया के पिता का कहना है कि पाकिस्तान के डीएनए में ही झूठ है। पाकिस्तान का जो आज तक अगर हिस्ट्री आप देखें
इतने सालों की जो आपकी सरकारें हैं, जो आपकी सरकार जैसे दो सरकारें पीसी थी, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का जो करेक्टर है कुत्ते की दुम की तरह, आप चाहे जितना भी उसको उसको ठीक करने की कोशिश की, वो कभी ठीक नहीं। अभी आप जो हालात हैं अभी आपके सामने है। कारगिल युद्ध के 25 साल बाद भी सौरभ के माता पिता को उनके जाने का बिल्कुल मलाल नहीं है। उनका मानना है कि जिस तरह से इन 25 वर्षों में देश विदेश से लाखों करोड़ों लोगों का मान सम्मान और प्यार उन्हें मिला है, उन्हें लगता है कि सौरभ आज भी उनके साथ है। महज 22 साल की उम्र में कैप्टन सौरभ कालिया ने देशभक्ति की वो कहानी लिखी जो हमेशा याद रखी जाएगी। करगिल की जीत का जश्न जब भी मनाया जाएगा, कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों की शहादत को हमेशा सलाम किया जाएगा। हिमाचल के पालमपुर से अनूप धीमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।